लुकेस मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। वीकेंड के वार से आई बड़ी अपडेट है, सलमान खान के फैंस के लिए बड़ी गुड न्यूज है। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे आज वीकेंड के वार की शूट करते हैं सलमान खान, 4 से 5 बजे स्टार्ट कर देते हैं, पर आज वीकेंड के वार की शूट नहीं हुई, कल जो है वीकेंड के वार की शूट होगी। और हमने आप लोगों को बताया था कि कल शूटिंग होगी और शाम को जो है आपको फ्राइडे का वार दिखाया जाएगा, पर काफी सारी ऐसी अपडेट आ रही थी कि सलमान खान जो है अब वीकेंड का वार शूट नहीं करने वाले हैं, फरा या करण जौहर का नाम आ रहा है। और आप लोगों को मैंने ये भी चीज बताई थी कि कुछ ही देर में मैं आप लोगों को इसकी कंफर्मेशन दूंगी। अब जो है हमारे पास सोर्सेज से अपडेट ये आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है सलमान खान का रिन्यू हो चुका है और उनकी डेट्स मेकर्स को थर्सडे की नहीं मिली है, इस हफ्ते की फ्राइडे की मिली है। इसीलिए सलमान खान इस हफ्ते जो है आप लोगों को वीकेंड का वार शूट करते हुए दिखाई दे सकते हैं और आप लोगों को फ्राइडे के वार और सैटरडे के वार में सलमान खान ही दिखाई देंगे, जहां पर अब्दुल रोजिक भी आने वाले हैं, साजिद खान भी आने वाले हैं और काफी सारी अलग चीजें जो है मेकर्स करने वाले हैं वीकेंड के वार पे। आई होप गाइज आप लोग काफी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि काफी सारे लोग ये बात बोलते हैं कि अगर सलमान नहीं तो भाई बिग बॉस भी नहीं, क्योंकि बिग बॉस सलमान के नाम से ही जाना जाता है। पर अगर सलमान खान नहीं होंगे तो क्या टीआरपी में कुछ फर्क पड़ेगा? क्या है आपके विचार, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।